सर्दियों का मौसम आ चुका है। सर्दियों के मौसम में लोग रहन सहन से लेकर खान पान में भी बदलाव करते हैं। सर्दियों के मौसम में कई प्रकार की नई नई मिठाई बाजारों में देखने को मिलती है। ऐसी एक मिठाई है जिसे बच्चे खूब चाव से खाना पसंद करते हैं, साथ ही बड़े भी इसका लुत्फ उठाने से नहीं चूकते हैं। यह मिठाई केवल सर्दियों के दिनों में ही देखने को मिलती है। इस खास मिठाई का नाम है मुड़ी गुड़ मिठाई। हजारीबाग में सर्दियों के दिन आते ही इस मिठाई की मांग बढ़ जाती है। जिले के कई मिठाई बनाने वाले कारखाने इस मिठाई को बनाने में लग जाते हैं। इस मिठाई में मुख्य रूप से दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसमें पहला है चावल का मुड़ी और दूसरा गन्ने का गुड़। क्या क्या मिला के इसको बनाते हैं भैया, पहले इसको ये बता दीजिए जरा हमको। गुड़ रहता है और वही मुड़ी। गुड़ और मुड़ी, इसका सबसे पहले पाक बनाना पड़ता है। उसके बाद इसमें मुड़ी मिलाने के बाद इसको बनाया जाता है भैया। इसका लोई कहाँ से आता है? मुड़ी तो हम लोग बोरा मंगाते हैं बाहर से। ये बंगाल का मुड़ी है। अच्छा, गुड़ मेरठ का गुड़ आता है। मेरठ का गुड़ आता है और यहाँ का लोई होता है बंगाल का। तो सुबह हम लोग को बना के सेल करना है। सुबह 5 बजे क्या प्रक्रिया है इसके? इसका प्रक्रिया यही है सर कि गुड़ का जो पाक बनाना पड़ता है, पाक बनने के बाद उसमें मुड़ी मिलाकर इसको ये करना पड़ता है। कितना पसंद करते बच्चों के लिए? देखते बहुत पसंद करते बच्चे ये। सर ये सिर्फ ठंडा में ही इसका ज्यादा डिमांड होता है, गर्मी में तो ये पिघल जाएगी। गर्मी पिघल जाता जी। क्या रेट से बेचते हैं? ये 20 का पैकेट बन रही है। 20 का पैकेट होलसेल में देते हैं उसको? वो होलसेल वाला 18 के आसपास जी। तो होलसेल में क्योंकि उनको बेचना भी रहता है ना, इसलिए